गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. तो आई डोंट नो आफ्टर हाउ मेनी डेज आई एम व्लॉगिंग एक्चुअली, बिकॉज बहुत टाइम से मैंने व्लॉग नहीं किया है. आई थिंक 10, 12, 13 डेज हो गए हैं मैंने व्लॉग नहीं किया. लास्ट वीक भी मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था. तो बहुत सारे पीपल्स मैसेजेस आ रहे हैं, आप व्लॉग क्यों नहीं कर रहे हो, आप डेली अपडेट्स क्यों नहीं कर रहे हो. तो आज अभी हाल जस्ट मैंने क्लोजेट ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो लाइव किया है, तो आप वो चेक कर सकते हैं अगर नहीं चेक किया है तो. और अब मैं ट्राई कर रही हूँ रेगुलर होने की, बिकॉज क्या हो रहा था ना अभी, मैं कैसे आपको हर चीज़ यू नो मैं आकर के नहीं बता सकती हूँ ऑनलाइन. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बट मैं ट्राई करूँगी मंडे से प्रॉपरली अपना जो शेड्यूल है वो प्रॉपर करने का और सारे वीडियोज़ अपलोड करने का. बिकॉज यू नो आई हैव हेल लॉट ऑफ टॉपिक्स, मतलब 30 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो मेरे पास लिखे रखे होंगे, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा है या कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है कि मैं वीडियोज़ नहीं कर पा रही हूँ. ये प्रॉब्लम्स हो रहे थे, कंटेंट मेरे पास इतना सारा रखा हुआ है बट वीडियोस नहीं बना पा रही थी मैं. यस आई एम हैविंग अ वेरी बैड पिंपल राइट नाउ बिकॉज फेस्टिव सीजन आ रहा है और अभी इस पिंपल को आना था. मुझे इतना बड़ा पिंपल यूजुअली होता नहीं है, पर जब होता है तो वो बहुत गंदा मार्क छोड़ के जाता है. तो डेफिनेटली बहुत गंदा मार्क छोड़ के जाने वाला है. तो आई एम जस्ट होपिंग कि जल्दी चले जाओ भाई. एंड वॉट एल्स इज गोइंग ऑन. और अभी कुछ नहीं, आज सैटरडे है तो मैंने सोचा मैं व्लॉग करती हूँ, बिकॉज बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहे थे व्लॉगिंग के लिए. तो राइट नाउ आज हम लोग थोड़ा लेट उठे हैं, एज यू ऑल नो सैटरडे को हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं. तो अभी कुछ नहीं, अभी मुझे अपने बालों में मास्क वगैरह लगाना है और साथ ही साथ खाना बनाने वाली हूँ मैं. तो आज मैं पनीर बटर मसाला बना रही हूँ और पराठे आंटी बना के चली गई हैं. क्लीनिंग हमारे घर की हो गई है बट अभी मुझे डस्टिंग भी अच्छे से करनी है बिकॉज काफ़ी टाइम से डस्टिंग नहीं कर पाई हूँ मैं. आप सोचो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था बिकॉज मैं किसी एक स्टफ में बहुत ज़्यादा बिजी थी. तो आई विल डिस्क्लोज इट लेटर कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या चल रहा है एंड ऑल, लाइफ अपडेट काइंड ऑफ अ वीडियो. तो या लेट्स गो. तो पहले मैं लगाऊंगी अपने बालों पे मास्क एंड देन उसके बाद मैं कुकिंग स्टार्ट करूंगी ताकि तब तक वो ड्राई अप हो जाए एंड कुकिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मैं नहाने जा सकूं. स्टीमिंग ऑन माई हेयर और उसके बाद फिर मैं वॉश कर लूँगी. इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी. ये क्यूकम्बर, फ्रेश क्यूकम्बर, उसके बाद ब्राउन राइस और सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है. साथ ही साथ ये स्माइलीज और आज हम लोगों ने पराठे बनवाए हैं और थोड़ा सा फ्रेश पल्प जूस. हे गाइस, तो अभी एक्चुअली खाना खाने के बाद हम दोनों सो गए थे और अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं. और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, थाने मार्केट जा रही हूँ, थोड़ा मोटा सामान लेकर के आना है. और उसके बाद मैं जाऊंगी वेस्ट साइड बिकॉज मेरे पास क्रेडिट नोट रखा हुआ है वेस्ट साइड का और मुझे स्लीपर्स लेनी है, मेरी स्लीपर्स ख़राब हो गई हैं तो वो लेने के लिए जा रही हूँ. तो वहीं से मैं डायरेक्टली वहाँ जाऊंगी. तो या लेट्स गो. हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं 10:30. बिग बॉस अभी ख़त्म हो गया है और
ये मेरे पास अक्टूबर मंथ का ग्लैम इको बॉक्स आया है और फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट लाइक द प्रोडक्ट्स दैट मच. अगेन वही वोटरे आया है, इसकी मेरे पास ये फोर्थ या फिफ्थ बॉटल है बिकॉज जब से ये सब्सक्रिप्शन बॉक्स मेरे पास आ रहा है मेरे पास सेम क्रीम आ रही है. सेकेंड मेरे पास ये लिप स्क्रब आया है, अगेन ये मेरे पास सेकेंड या थर्ड बॉटल है. ये फिर भी मुझे पसंद है बिकॉज ये मैं यूज़ करती हूँ, मेरे पास कोई भी लिप स्क्रब नहीं है तो मैं यही वाला लिप स्क्रब जो है वो यूज़ करती हूँ. तो जो एक है वो मेरे पास ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है तो ये मुझे फिर भी ओके है. बट फ्रेंकली स्पीकिंग ये बॉटल्स मैं खोलती भी नहीं हूँ. फर्स्ट बॉटल जो है वो मैंने यूज़ करी थी, उसके बाद ये बॉटल्स मैंने ओपन तक नहीं करे हैं. देन अगेन ये एलन ब्लू का काजल उन लोगों ने दिया है बट ये कलर्ड काजल है और ये एमरल्ड कलर में है तो मैं इसको ये ओपन नहीं करने का सोच रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी आई हैव टू कलर्स विच इज इन एमरल्ड कलर और तो ये मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी. मैं सोच रही हूँ इसको किसी को देने के लिए तो ये मैं नहीं यूज़ करने वाली हूँ. एंड देन ये दो फेस मास्क आए हैं जो कि एक है एक्टिवेटेड चारकोल, ये है एक्टिवेटेड चारकोल डिटॉक्स फेस मास्क और दूसरा है फोर क्ले जेंटल फेस मास्क. तो दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए हैं. ये वाला जो फेस मास्क है ये डीप पोर डिटॉक्सिफाइंग है और ये वाला जो फेस मास्क है ये वाला, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ फॉर प्योर क्ले मास्क डिटॉक्सिफाई एंड क्लैरिफाई स्किन बाई कीपिंग इट हाइड्रेटेड. तो एक का नाम है नीमली के हैं, ये नीमली नेचुरल्स के हैं. तो ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करने वाली हूँ, अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है तो आई एम नॉट दैट एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट. मतलब मैं इतनी एक्साइटेड नहीं हूँ इस बार. ग्लैमिको जनरली मुझे पसंद आते हैं इसके प्रोडक्ट्स बट इस बार मुझे नहीं मज़ा आ रहा है. तो फाइव प्रोडक्ट्स उन लोगों ने भेजे हैं सो आई एम नॉट लाइकिंग इट दैट मच जितना मैं ग्लैमिको के लिए एक्साइटेड रहती हूँ कि क्या आने वाला है बिकॉज अभी बहुत टाइम हो गया है ग्लैमिको को अपने जिन प्रोडक्ट्स के साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके रखा है. अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए बिकॉज वही प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. अगर आप कोई बॉक्स लेते हो, सब्सक्रिप्शन बॉक्स लेते हो तो आप इसलिए लेते हो कि आपको अलग अलग ब्रांड्स के बारे में पता चले. आप वही ब्रांड्स आ रहे हैं तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस मंथ्स बॉक्स. तो ये था मेरा रिव्यू उसके ऊपर. मैंने सोचा मैं वीडियो में इंक्लूड कर देती हूँ छोटा सा रिव्यू. एंड दूसरी चीज़, ये विक्की बैठे हुए हैं पीछे और मेरा लैपटॉप और विक्की का लैपटॉप दोनों यूज़ करा जा रहा है बिकॉज वो उनको आदत है ऑफिस में बड़े बड़े स्क्रीन्स पे काम करने की तो वो ऐसे काम करते हैं. जब मैं काम नहीं करती तो मेरा लैपटॉप यूज़ किया जाता है. और कुछ नहीं, अभी जस्ट हम लोग बैठे हुए हैं और आज का जो ब्लॉग है सैटरडे का वो मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ और कल का ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी. बाकी का जो मुझे स्टफ लेके आना था वो सब उस टेबल के ऊपर रखा हुआ है. तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में. तो टिल देन बाय. हेलो गाइस, तो आज संडे है और संडे को मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया एंड अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज़ एट 10:30. क्योंकि दिन भर से क्या हुआ था ना, एक्चुअली मैं सुबह उठी, आज हम लोग टाइम पे उठ गए थे, सुबह उठे, हमारी आज रोटी वाली नहीं आई तो हम लोगों ने खाना वाना बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया, पहले तो पोहे वगैरह बनाए एंड देन उसके बाद हम काम पे निकल गए. काम पे मतलब कुछ कुछ हमारे पेंडिंग काम थे तो वो करवाने चले गए थे एंड मुझे एक जियो की सिम लेना था तो वो करने चले गए. ऐसे छोटे छोटे काम थे. फिर वहाँ से आए तो आज हमने पानीपुरी बनाया था. पानीपुरी बनाने के बाद हम लोग सो गए. थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, मुझे भी हो रहा था, विक्की को हो रहा था बिकॉज मुझसे धूप बर्दाश्त नहीं होती है. अगर मैं धूप में जा रही हूँ तो वहाँ से आने के बाद मुझे हेडेक होता है थोड़ा सा. एंड उसके एक दिन पहले जो मैंने बताया था कि मैं वेस्ट साइड जाने वाली हूँ तो मैं वेस्ट साइड गई थी. कल मैं गई थी बट मैं कुछ लेकर के नहीं आई वहाँ से और क्योंकि मैं बहुत फटाक से आ गई थी, बिग बॉस स्टार्ट होने वाला था 9 बजे तो इसके लिए मैं कुछ लेकर के नहीं आई. आज मैं गई थी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं दो तीन चीज़ें लेकर के आई हूँ. स्टूडियो वेस्ट का नेल पेंट रिमूवर लेकर के आई हूँ और उसके बाद स्टूडियो वेस्ट का ये कलर लेकर के आई हूँ नेल पेंट का. बहुत ही प्रिटी पर्पलिश शेड है, पेस्टल कलर टाइप का है. देन उसके बाद मैं लैक्मे का एक ये कलर लेकर के आई हूँ, बहुत ही प्रिटी शेड है ये वाला भी. एंड देन उसके बाद मैं ये वाला शेड लेकर के आई हूँ.
ये दोनों नेल पेंट्स 300 का आया है और जो स्टूडियो वेस्ट का है ये 170 रुपीज़ का आया है। एक्चुअली मैं जनरली नायका से बुलवाती हूँ या मैं फेसेस का यूज़ करती हूँ, बट नायका के नेल पेंट्स में प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी जो फिनिश है वो बहुत वैरी करती है कलर टू कलर। कुछ कलर्स की फिनिश बहुत अच्छी होती है, कुछ कलर की फिनिश बहुत गंदी सी होती है। सो आई डोंट लाइक, मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी मेरे घर के जिस साइड में ही वेस्ट साइड है, तो आई प्रेफर कि वहाँ से जाकर के एटलीस्ट आपको कलर समझ में आ जाता है कि कौन सा लेना है क्या। एंड हाँ, बाय द वे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतना सारा मेकअप क्यों लगा करके रखा है। अभी जस्ट मैं 8 बजे मेकअप ट्यूटोरियल शूट करने के लिए बैठी थी और अभी 10:30 पे मेरा मेकअप ट्यूटोरियल फिनिश हुआ है। तो ये वाली फुटवेयर जो है दिस इज फ्रॉम वेस्ट साइड और ये 299 में मुझे मिली थी। एंड ये वाली जो फुटवेयर है ये मैंने जिंजर की परचेज की थी और ये 499 की परचेज की थी। एंड विद इन 3 मंथ्स, ये सिर्फ 3 मंथ्स हुए इसको लिए हुए और देखिए इसकी हाल कैसी हो चुकी है। पीछे से ये पूरी स्लिपरी हो गई है और बिल्कुल बहुत गंदी हालत में हो गई है, तो इसलिए मैंने इतनी महंगी इस बार नहीं ली, मैंने 299 वाली ही ली है। हे गाइस, तो आज है मंडे एंड आप सोच रहे होंगे मैंने अभी अपने चेहरे पे क्या लगाया हुआ है। एक्चुअली अभी जस्ट मैंने अपना जो वीडियो है वो अपलोड किया है, मैं अभी लैपटॉप पे ही काम कर रही थी और मेरे ना इसी ब्लॉग में आपको दिखेगा सैटरडे के दिन मैंने ये चीज़ ब्लॉग में स्टार्ट करी थी, तब मैंने बोला था मुझे बहुत गंदा सा पिंपल आया हुआ है यहाँ पर। और मुझे ये तो था कि मुझे दुर्गा पूजा का मेकअप ट्यूटोरियल शूट करना है, तो आई वाज लाइक कि वो जो बम्प है वो थोड़ा सा अंदर बैठ जाए ताकि वो इतना गंदा ना लगे वीडियोज़ में, क्योंकि बहुत बड़ा आया था। तो मैंने कंटिन्यूसली एक है मेरे पास एक पैक है वो लगाया, उसका छोटा छोटा सा मैं लगा रही थी और टी ट्री ऑयल लगा रही थी कामा वाला। तो आपको पता ही होगा जो लोग लगाते हैं उससे हल्का सा ब्राउन हो जाता है और फिर वो स्किन निकल जाती है वहाँ से, जल जाता है। तो मेरे को ये कि बम्प नहीं होना चाहिए, निशान है तो मैं कंसीलर से कैसे भी करके हाइड कर ही दूंगी, बट फॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा मतलब मार्क नहीं है फिलहाल। तो मैंने अभी एक्चुअली होता क्या है कि मेरी स्किन जैसे ही थोड़ी ठीक होने लगती है उसके बाद मैं अपना स्किन केयर करना छोड़ देती हूँ, क्योंकि छोड़ इसलिए देती हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होता है, ये बोल सकते हो आप। मैं सुबह उठती हूँ, योगा के लिए जाती हूँ, फिर उसके बाद आती हूँ, खाना बनाती हूँ, उसके बाद विक्की जाते हैं, फिर अपने मेल्स चेक करती हूँ, ब्रांड्स को जो भी कोलैबोरेशन के लिए आते हैं या कोई की भी क्वेरी आती है उनको रिवर्ट करती हूँ, देन अपने वीडियो को कभी कभार एडिट करना रहता है तो वो काम चलता है मेरा, फिर अपने नहाना धोना करा, खाना वाना खाया, फिर अगर शूट है उस दिन तो शूट पे बैठ जाना, फिर उसके बाद एडिट करना। मतलब जो भी आप वीडियो देखते हो 9 मिनट्स का या 10 मिनट्स का, आप जो भी वीडियो देख रहे हो ना उसके पीछे एक्चुअली में जो टाइम लगा है दैट इज़ ऑफ 8 to 9 आवर्स एंड समटाइम्स वो 10 आवर्स भी आप बोल सकते हो। जैसे कि मैं अभी कई रीसेंट एग्जाम्पल आपको देती हूँ, कल आज जो मैंने वीडियो अपलोड किया है दैट इज़ ये फेस्टिव लुक जो है साड़ी वाला, वो वीडियो मैंने अपलोड किया है और कल मैं बैठी थी वो वीडियो बनाने के लिए 7 बजे, क्योंकि 1 घंटा मुझे सेटअप करने में लगता है, चीज़ें कलेक्ट करने में लगता है, मुझे क्या क्या यूज़ करना है वो मैं एक बास्केट में रखती हूँ, निकालती हूँ जगह से, फिर अपनी लाइटिंग सेट करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ, बैकग्राउंड सेट करती हूँ। हाँ, उसके बाद तब भी ऐसा होता है कि आप जब मेकअप कर रहे हो तो फिर से उठना पड़ता है, साड़ी पहनना है, फिर उठना है, कोई पिन रह गया, फिर उठना है, ऐसे करते करते ना ऐसा हो ही जाता है। तो वो शूट जो आप मेकअप देख रहे हो 8 मिनट्स में मैंने दिखाया है, उसको करने में मुझे एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स लगते हैं, फिर वो करने के बाद 3 घंटे आपके वो लग गए, 1 घंटा फिर से अगर अकैन वो जो मैस हुआ है उसको आपको फिर से सेटअप करना है, वापस सारी चीज़ें अपनी जगह पर रखनी है, वो रखने के बाद फिर फाइल ट्रांसफ़र होती है। मतलब रात को मैंने कल, क्योंकि मुझे आज ही एनी हाउ आज वीडियो डालना ही डालना था दुर्गा पूजा वाला, तो रात को मैंने 1:30 बजे तक, 1:30 से 2:45 बजे तक उसकी एडिटिंग करी है। फिर सुबह उठी हूँ मैं जल्दी क्योंकि योगा रहता है मेरा, फिर योगा 3 दिन रहता है, मंडे वेनेसडे फ्राइडे रहता है, मैं रेगुलर नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, तो मैंने हफ्ते में 3 दिन का रखा है। और उसके बाद क्या है, फिर आई मैं खाना वाना बनाया, बाकी के काम करे एंड उसके बाद फ्री होकर के फटाफट से मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ। और जब आप बड़ी फाइल एडिटिंग करते हो ना तो आपका लैपटॉप भी थोड़ा सा स्लो होता ही होता है, फाइनली अभी वो अपलोड हो गया है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं वही आपको बता रही हूँ कि एक वीडियो के पीछे कुछ नहीं तो 8 से 9 घंटे की, और स्पेशली मेकअप ट्यूटोरियल्स को एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ना ही कोई मेकअप बनाने में, वीडियोस को बनाने में मोस्टली वीडियोस को टाइम लगता है, जैसे मेकअप ट्यूटोरियल्स बनाने में टाइम लगता है, मेकओवर वीडियोस बनाने में तो दिन लगते हैं, 4-4, 5-5 दिन लगते हैं, कोई चीज़ आप क्रिएटिविटी करते हो उसमें भी दिन लगते हैं आपको, 2-2, 3 दिन लगते हैं। बट एडिटिंग की बात करूँ अगर मैं तो सबसे लंबा एडिटिंग कोई लेता है तो वो मेकअप ट्यूटोरियल है। तो बस यही है, अभी मैं जस्ट बैठी हुई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। मास्क मैंने लगाया है, ये द बॉडी शॉप का राइस जिंसिंग मास्क है। एक्चुअली ये आता काफी कॉस्टली है, मैं दिखाती हूँ आपको एक सेकेंड, ये है
बॉडी शॉप का द राइस जिनसेंग मास्क, ये आता काफ़ी कॉस्टली है और इन जो प्रोडक्ट्स हैं ना इनके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी, आप ये बोल सकते हो कि काफ़ी दिन में दिखते हैं। मतलब मैं इसको ऑलमोस्ट हर वीक तो नहीं लगाती हूँ, जैसे मुझे लगता है मेरी स्किन बहुत डल हो गई है और आई नीड समथिंग टू यू नो अपनी स्किन को ठीक करने के लिए मुझे कुछ चाहिए, तो फिर मैं इसको मंथ में एक बार लगा लेती हूँ, एक बार ही लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। तो यस ऐसा है। और दूसरी चीज़ और एक और है मेरे पास, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने अभी ये लगाना स्टार्ट किया है लास्ट टू मंथ से, ये है टूथ क्रीम। तो ये मैंने एज अ डे क्रीम जो है अपना परचेस किया था लगाने के लिए, बट फ्रैंकली स्पीकिंग जितना इसका प्राइस है उतना इसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इट कम्स ऑफ आई गेस 1800 या 2000 ऐसी कुछ रेंज में आता है ये, और मुझे इतना वर्थ नहीं लगा ये वाला प्रोडक्ट। और मैं इसको अभी सेकेंड टाइम, मतलब ये बॉटल अभी ऑलमोस्ट मैं आपको दिखाती हूँ, इतना सा बचा हुआ है ये तो। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि मैं डेली प्रोडक्ट्स नहीं लगाती हूँ, जो कि बहुत गलत चीज़ है। और अब मैंने ये पूरा एक रिचुअल बना दिया है कि मैं प्रॉपर वन, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं एडिटिंग करने लैपटॉप में बैठे हैं तो बैठे ही हुए हैं, ना मुझे खाने का याद है, ना मुझे पानी पीने का याद रहता है, ना मुझे कुछ करने का याद होता है, मतलब मैं सिर्फ घुस जाती हूँ उस काम में। तो अगर मैं कुछ मेकओवर कर रही हूँ, मैं कुछ क्रिएटिविटी कर रही हूँ, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती मैं हिलती नहीं हूँ अपनी जगह से, अनट्रोनेस मुझे ऐसा ना लग जाए कि ओ शिट बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है अब तो चक्कर आ जाएगा, ऐसा होता है तब मैं पानी पीने के लिए उठती हूँ, विच इज़ वेरी बैड। पहले मुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना चाहिए। तो और ऐसे ही स्किन केयर के साथ भी होता है, अनट्रोनेस मुझे ऐसा लगता है ओ शिट पिंपल आ गया, स्किन केयर अभी 15 डेज मेरा स्किन केयर एकदम प्रॉपर चलेगा, जहाँ मेरी स्किन थोड़ी ठीक हो जाएगी उसके बाद अगेन मैं मेरा वो हो जाता है, मतलब मैं ढीला छोड़ देती हूँ। तो आई हैव लॉट ऑफ गुड प्रोडक्ट्स एंड इसके लिए आई हैव डिसाइडेड, मैंने अलार्म भर दिया है और अब से मैं स्किन केयर पहले करा करूँगी, मतलब सारे काम छोड़ करके पहले मैं अपने आप पे अब ध्यान दूंगी और ग्रूम करूंगी अपने आप को। इनफैक्ट कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि मैं थोड़े दिन भी लगाती हूँ तो मेरी स्किन ग्लो करने लगती है, बट वही है कि वो थोड़े दिन लगाती हूँ जहाँ मेरी स्किन ग्लो करने लगती है, आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है अभी छोड़ा थोड़ा सा छोड़ दो उसको, ऐसा होता है। तो या और मेरे पास फेस्टिव, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास कुछ चीज़ें आई हैं फेस्टिव सीज़न के लिए, जो कि फेस्टिव सीज़न की हैं, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ। और डोंट वरी, इस मास्क को लगा करके आप बात कर सकते हैं बिकॉज ये ड्राई नहीं होता है बिल्कुल भी, ये गीला ही रहता है। एंड सो मेरे पास काफ़ी सारी ज्वेलरीज भी आई हैं, तो वो भी मैं आपको पर्टिकुलर हॉल बताऊंगी फेस्टिव सीजन शॉपिंग वाली, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। और अभी मेरा घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, यहाँ कपड़े हैं, पीछे कपड़े हैं, सब जगह कपड़े हैं, तो मुझे थोड़ा सा ठीक करना है। गाइस बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने अभी मैसेजेस में देखा कि वो लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मैं उन लोगों को बताऊँ कि साड़ी ड्रेप कैसे की जाती है। लेट्स सी, मैं बताती हूँ, वैसे मुझे आती है अच्छे से साड़ी पहनना। और दूसरी चीज़, साड़ी की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं साड़ी कहाँ से ली है, क्या है एक्चुअली मटेरियल क्या है। तो ये जो साड़ी है मेरी, जो 5 शादी की साड़ियाँ थीं जो चढ़ती है ससुराल की तरफ से, सारी मैंने अपनी पसंद की ली थी, विक्की के फैमिली वालों ने मुझे अमाउंट दे दिया था और जो मेरी चॉइस थी वो मैंने उसके अकॉर्डिंग ली थी। तो ये साड़ी उनमें से एक है, 4500 to 5000 के बीच में है, ज़्यादा मतलब इसके बीच में है। और ये सिल्क है, अब सिल्क बहुत सारे तरह के आते हैं, ये कौन सा सिल्क है इतना मुझे डिटेल्स इसका पता नहीं है। और इसका जो ब्लाउज है ये मैंने अलग से कस्टमाइज़ करवाया था, मेरी जितनी भी साड़ियाँ होती हैं कितनी भी हैवी से हैवी साड़ी हो, बट जो ब्लाउजेस होते हैं वो मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है साड़ी के ब्लाउजेस पहनना। तो बस यही है, और अभी मैं ये जो ब्लॉग है वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, इट्स ऑलरेडी वेरी लॉन्ग और ये सिर्फ टॉकेटिव ब्लॉग है। तो बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे ब्लॉग अपडेट करने का, तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ बातें करने वाला ब्लॉग, आई एम नॉट कम्फर्टेबल इन अपलोडिंग दैट ब्लॉग्स जो बातें करने वाले रहते हैं, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रही थी, बट ठीक है अभी सब इतना ज़्यादा पीछे पड़ रहे हैं तो आई थॉट कि चलो ये वाला ब्लॉग मैं अपलोड कर देती हूँ। तो अभी मैं लगाने जा रही हूँ ये गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल मास्क, एंड दिस इज़ डीप क्लेंजिंग फेस मास्क है। ऑलरेडी मैं एक बार इसको लगा चुकी हूँ और इसको लगाने के बाद जो मेरे यहाँ के पोर्स हैं वो मुझे काफ़ी क्लीन लगे थे। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं कोई चारकोल मास्क तो आप ले सकते हैं। So I'm not gonna apply over here because I have really sensitive skin. तो वो बहुत रेड हो जाता है मेरा स्किन,
सो आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ 10 मिनट्स फाइनली फाइनली विक्की को ब्लैकमेल करके मैंने ये लगा दिया है, मास्क लगाना चाहिए. कभी कभी विक्की कभी नहीं लगाता है, मतलब मुझे लड़ना पड़ता है विक्की से तब जा करके. विक्की डू यू फील एनी टिंगलिंग टाइप ऑफ सेंसेशन? पूरा सूख गया है. नहीं तो ये जो मास्क है ये ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा. तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.